नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आपको याद हो तो हमने पिछले दिनों एक ट्रैफिक कांस्टेबल की आपको खबर दिखाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांस्टेबल ने डीएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे उसमें कि वो उसे प्रताड़ित करते हैं, गर्मी में काम करवाते हैं। मामला जिला पुलिस कप्तान तक भी पहुंचा। अब मामले में ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप लगाने वाले उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रैफिक कांस्टेबल ने मई महीने के अंतिम सप्ताह में आरोप लगाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अब पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल पर कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया। करीब 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आए उस वीडियो में उदयपुर के दहली गेट चौराहा पर तैनात कांस्टेबल आशुराम ने यातायात डीएसपी नेत्रपाल सिंह पर आरोप लगाए। कांस्टेबल ने कहा कि वह काफी समय से परेशान है, डीएसपी गर्मी में उनसे ड्यूटी करवाते हैं, 45 डिग्री तापमान में खड़े रहें तो कैसे रहें। उसने ये भी कहा कि इसके बाद भी ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, समय पर ड्यूटी पर आने के बावजूद गाड़ी गलौज की जाती है, डिप्टी पुराने जमाने में भर्ती हुए हैं और इनका नैतिक स्तर काफी डाउन चल रहा है, पता नहीं कैसे भर्ती होकर आए हैं। इनको ड्यूटी कराने से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे से पर्सनल दुश्मनी निकालने में लगे हैं। एक बार देखिए वीडियो में क्या कहा था कांस्टेबल ने। ये बहुत ही गाड़ी गलौज बदतमीजी करते हैं, ये ट्रैफिक के डीवाईएसपी नेत्रपाल सिंह जब भी आता है तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी है ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है, 45 डिग्री के तापमान में हम आके खड़े रहे तो कैसे रहे। हम यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली क्लोज करते हैं। श्रीमान आदरणीय एसपी साहब से हाथ जोड़ के, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आदरणीय पुलिस के डीजी साहब से कि जो ये निचले क्रम के अधिकारी है, इनको या तो किसी जो डायरेक्ट प्रमोशन लेके नहीं आया हो, डायरेक्ट भर्ती हुआ हो, आरपीएस, उनको मुख्य ट्रैफिक जैसे पदों की जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनका नैतिक स्तर अच्छा। देखा आपने, तब इस मामले में डीएसपी नेत्रपाल सिंह ने कहा था कि जहां ड्यूटी लगेगी वहां काम तो करना पड़ेगा। ये कांस्टेबल काम नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहा है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने आदेश में लिखा कि यातायात विंग में तैनात कांस्टेबल आशाराम मीना के खिलाफ विभागीय जांच अपेक्षित होने का जिक्र करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया। अब कांस्टेबल को चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था के काम से हटाकर सस्पेंड करते हुए इसका मुख्यालय उदयपुर में रिजर्व पुलिस लाइन कर दिया गया है। इस अवधि में कांस्टेबल को मूल वेतन का आधा भाग मिलेगा। क्या कहना है इस पूरे मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर जीरो से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी जीरो से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। दो महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो, हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और एमएलएसयू उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बीए, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएसटीसी, एमए, एमएससी, एमकॉम। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके।
ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।